लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थित है। यह दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 45 किलोमीटर दूर है। यह मणिपुर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह विश्व की पहली झील है जहां फ्लोटिंग आइलैंड यानी घास के तैरते हुए टापू मिलते हैं। यह केवल झील नहीं है बल्कि घर है। यहां लगभग 233 जलीय वनस्पतिक प्रजातियां और 100 से ज्यादा पक्षियों व 425 जंगली जीवों की प्रजातियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस झील में कई मछुआरों के गांव भी हैं। यहां रहने वालों के लिए यह लोकटक झील जीवनदायिनी झील है। इस झील में तैरते छोटे छोटे घास के टापू किसी जादुई दुनिया के जैसे लगते हैं। लोकटक झील में घास के मैदान आज यहाँ तो कल वहाँ तैरकर पहुँच जाते हैं। लोकटक झील जैव विविधता से परिपूर्ण है। सैंड्रा पार्क एंड रिजॉर्ट इस झील का एक सुंदर जगह है जहाँ सैलानी ठहर सकते हैं। यहाँ के खूबसूरत कैफेटेरिया में आप जलपान कर सकते हैं। झील का क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप केबुल लामजाओ कहलाता है। यह संगाई हिरण का अंतिम घर है जो एक विलुप्त प्राय प्राणी है। यह केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। इसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भारत सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील मणिपुर के लिए बहुत आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। इस झील का जल विद्युत उत्पादन, पीने और सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। इस झील से मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। इस झील की अधिकतम लंबाई 35 किलोमीटर है और अधिकतम चौड़ाई 13 किलोमीटर है। इस झील की औसत गहराई 2.7 मीटर है, अधिकतम गहराई 4.6 मीटर है। मणिपुरी भाषा में लोक का अर्थ है नदी या झरना और टक का अर्थ है अंत। तो ये थी मणिपुर में स्थित खूबसूरत झील लोकटक झील के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।